नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान रिश्तों में बर्फ पिघली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ में पेरिस में बात हुई। बैंकॉक में दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकार मिले। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अफगानिस्तान पर बुलाई बैठक के बहाने पाकिस्तान में है। वे वहां खूब मेल मुलाकात करेगी। इस सबसे चर्चा चली है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान के प्रति नीति में पलटा मारा है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है, कहा है कि बताए क्या चल रहा है। कई जानकार मानते हैं कि मोदी सरकार ने बातचीत शुरू करके अच्छा किया। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया था। वह रिश्तों में गर्मजोशी से शुरुआत थी, मगर बाद में कश्मीर के अलगाववादी हुर्रियत नेताओं की पाक सरपरस्ती से मामला गड़बड़ाया। भारत को पाकिस्तान से संवाद बंद करना पड़ा। सीमा नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की गोलाबारी से भी बात बिगड़ी। मतलब पाकिस्तान का परंपरागत रुख रहा तो मोदी सरकार को सीमा पर जैसे को तैसा की नीति अपनानी पड़ी, इसलिए बातचीत बिखर गई। पाकिस्तानी नेताओं ने विश्व नेताओं के बीच और संयुक्त राष्ट्र में हल्ला किया। भारत में शोर हुआ कि बिना बातचीत के क्या बनेगा। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस की आकस्मिक मुलाकात से रीति नीति बदली, पाकिस्तान से संवाद शुरू किया है। सवाल है, यह खानापूर्ति है या किसी ब्लूप्रिंट में सुविचारित कूटनीति? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता इन दिनों भाजपा और केंद्र सरकार से बुरी तरह से नाराज है। मामला सिर्फ नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ने का नहीं है, बल्कि कई और कानूनी पचड़े हैं जिनमें एक के बाद एक कांग्रेस नेता फंसते जा रहे हैं। कांग्रेस की ये नाराजगी संसद में विधायी कामकाज पर असर डालेगी और इसे लेकर सरकार के संसदीय प्रबंधक भी नाराज हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने सरकार के एक प्रबंधक से कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विधायी कामकाज में कांग्रेस की मदद चाहिए थी तो क्या वे सुब्रमण्यम स्वामी से बात करके हेराल्ड का मामला ठंडे बस्ते में नहीं डलवा सकते थे। इसी तरह कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने सवाल उठाया कि एक तरफ सरकार कांग्रेस की मदद चाहती है और दूसरी ओर पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक के दोस्तों की कंपनियों पर छापे मरवा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा मामले से भी कांग्रेस नेता खासे नाराज हैं। एक तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 6 महीने में वाड्रा को जेल भेजने की बात कर दी। उसके बाद उन्होंने वाड्रा के जमीन सौदों की जाँच कर रही जस्टिस ढींगड़ा कमेटी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि जस्टिस SN ढींगड़ा पूछताछ के लिए वाड्रा को बुला सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर पर अलग तलवार लटक रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर भारतीय जनता पार्टी के कामकाज पर अब दिख रहा है। बताया जा रहा है कि नतीजों से लगे सदमे से उबरकर पार्टी कमियों को दूर करने में जुट गई है। बिहार में पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं के अहंकार का मामला उठाया था। उनकी शिकायत थी कि बड़े नेता मिलते नहीं हैं और उनकी बात नहीं सुनी जाती है। सो अब खबर है कि केंद्र सरकार के मंत्री पार्टी के सांसदों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को खास तरजीह देंगे। उनसे मुलाकात का खास समय तय किया जा रहा है। एक निर्धारित समय पर केंद्रीय मंत्री पार्टी नेताओं से मिलेंगे। ऐसे में अगर कोई सांसद या नेता मंत्रियों से मिलने का समय मांगता है तो वे उनसे मिलेंगे। पार्टी दफ्तर में भी मंत्रियों के नियमित बैठने के पुराने फैसले को लागू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बिहार के नतीजों के बाद जिस तरह पार्टी के नेताओं ने बयानबाजी की, उसे रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। पार्टी के आला नेताओं का मानना है कि अगर केंद्रीय मंत्री अपनी पार्टी के सांसदों और दूसरे नेताओं से नियमित रूप से मिलते रहेंगे और उनकी शिकायत सुनेंगे तो वे सार्वजनिक रूप से बयान नहीं देंगे। इन बयानों से कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जाता है। असल में भाजपा उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई गलती दोहराना नहीं चाहती है जो बिहार में हुई है, इसलिए आगे और भी बदलाव होंगे।
भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है। हालांकि सामरिक मामलों के जानकार अभी इस बात को लेकर भरोसे में नहीं है कि दोनों देशों का ये सद्भाव कब तक कायम रहेगा, क्योंकि पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी नीति में कई बार बदलाव किया है। इसके बावजूद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट श्रृंखला को मंजूरी मिल जाएगी। दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड पहले ही श्रीलंका में भारत पाकिस्तान के बीच मैच कराने पर राजी हो गए हैं। पाकिस्तान सरकार भी इसके लिए तैयार है, लेकिन भारत की वजह से फैसला अटका हुआ है। 7 साल पहले 26 नवंबर को मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच दो पक्षीय क्रिकेट श्रृंखला बंद हो गई थी। हालांकि उसके बाद दोनों देश विश्व कप जैसे मुकाबलों में आमने सामने हुए, लेकिन दो पक्षीय श्रृंखला नहीं हुई। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहल करके एक दिवसीय और T20 मैचों की श्रृंखला की मंजूरी दी है। BCCI के वरिष्ठ पदाधिकारी और कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने क्रिकेट श्रृंखला के लिए दबाव बनाते हुए कहा है कि जब दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मिल सकते हैं, तो क्रिकेट संबंध बहाल करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अगर सब ठीक रहा तो इसी महीने दोनों देशों के बीच क्रिकेट मुकाबला शुरू हो सकता है। अब आज की सुर्खियां, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के साथ टकराव का रुख दिखाते हुए कहा है कि वे किसी से नहीं डरती हैं। नेशनल हेराल्ड अखबार के मामले में निचली अदालत के समन पर रोक लगाने की याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने के एक दिन बाद आज सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी के सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने कहा कि वे इस मामले को कोर्ट पर छोड़ती हैं। वे चाहती हैं कि कोर्ट ही फैसला करे। उन्होंने जोर देकर इस बात से इनकार किया कि वे परेशान हैं। सोनिया ने कहा, मुझे क्यों परेशान होना चाहिए? जैसा कि मैंने अपने मित्रों से कहा था, मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं और किसी से नहीं डरती हूं। पिछले हफ्ते सोनिया गांधी अपने मेडिकल चेकअप के लिए देश गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रोक लगवाने की बजाय अब कांग्रेस नेताओं ने कोर्ट में पेश होने का फैसला किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार के प्रति हमलावर तेवर दिखाए हैं। पार्टी सांसदों के साथ बैठक के बाद आज राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड मामले को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया। राहुल ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वे मुझको सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं, लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं। राहुल ने कहा कि वे कल संसद में जाकर अपनी बात रखेंगे। आज राहुल गांधी को तमिलनाडु में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने जाना था, इसलिए वे चेन्नई चले गए। चेन्नई में राहुल गांधी ने राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया और कहा कि बाढ़ राहत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई टाल दी है। अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। अदालत ने अगली तारीख पर सोनिया और राहुल गांधी दोनों को निजी रूप से पेश होने के लिए कहा है। सोनिया और राहुल गांधी की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दोनों नेताओं के लिए आज की पेशी से छूट देने की मांग की। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 19 दिसंबर के लिए टाल दी और अगली तारीख पर पेश होने के लिए कहा। सिंघवी ने कहा कि दोनों नेता अदालत के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कल दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के समन को निरस्त करने के लिए सोनिया व राहुल गांधी की ओर से दायर की गई याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद कांग्रेस ने कहा था कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, लेकिन इसके बदले कांग्रेस ने पेशी के लिए अगली तारीख मांग ली है। अदालत से छूट मिलने के बाद राहुल गांधी चेन्नई के दौरे पर चले गए। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को निचली अदालत में पेश होने के लिए कहे जाने के एक दिन बाद आज कांग्रेस सांसदों ने राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। कांग्रेस सांसदों ने कहा कि इस मामले में राजनीतिक बदले की भावना से काम किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने सदन में कहा कि इस मामले से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने कांग्रेस सांसदों पर न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कांग्रेस के हंगामे को अनैतिक और अलोकतांत्रिक बताया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास ने कहा कि समस्या अदालत के फैसले को लेकर है, सरकार को लेकर नहीं है। कांग्रेस को न्यायिक फैसले का सम्मान करना चाहिए और कानून के अनुसार काम करना चाहिए। दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या कितनी गहरी है, इसका अंदाजा केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को भी हुआ है। उन्होंने खुद बताया है कि सोमवार को वे 2 घंटे तक जाम में फंसे रहे। इसके बाद उन्होंने NHAI के अधिकारियों की बैठक बुलाई और समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान निकालने के लिए कहा। गडकरी ने कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली की सरकार के साथ मिलकर इस समस्या का हल निकालेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 साल में जाम की समस्या को आधा कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने भी जाम और प्रदूषण खत्म करने के लिए सम और विषम संख्या का जो नियम लागू किया है, उस सिलसिले में राज्य के परिवहन मंत्री भी नितिन गडकरी से मिलने वाले हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भारत और पाकिस्तान में क्या रिश्ते हो सकते हैं, इस पर आजादी के बाद से विचार हो रहा है। पाकिस्तान में कंफ्यूजन नहीं है। पाकिस्तान राष्ट्र राज्य का मकसद कश्मीर को भारत से छीनना है। इसी जुनून में उसने युद्ध किए, कूटनीति की, अलगाववाद भड़काया, आतंकवाद फैलाया। इसलिए उसकी मंशा के आगे सोचने व दुविधा का मसला
भारत का है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है। पिछले 10 दिन में घटनाक्रम तेजी से बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। उसके बाद दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैंकॉक में मिले और अब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का दौरा करके वहाँ के नेताओं से मुलाकात की है। बैंकॉक में अजीत डोवाल और नसीर जंजुआ के बीच दोनों देशों के बीच वार्ता के लिए सबसे अहम माने जा रहे दोनों मुद्दों आतंकवाद और कश्मीर पर बात हुई। आगे भी दोनों देशों के बीच इन मुद्दों पर बात होगी। जाहिर है कि दोनों देशों ने अपना रुख नरम किया है। पहले भारत कश्मीर के मसले पर बात नहीं करना चाह रहा था तो पाकिस्तान इस बात पर अड़ा था कि वो सिर्फ आतंकवाद के मसले पर बात नहीं करेगा, यानी अगर कश्मीर पर बात हो तभी आतंकवाद पर भी बात होगी। इसका मतलब कि भारत कश्मीर पर चर्चा के लिए तैयार हुआ तभी वार्ता शुरू हो रही है। कई लोगों को भारत का यह समझौतावादी रुख पसंद नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ संबंध सुधार करना है, सीमा पर स्थायी शांति की पहल करनी है और आतंकवाद से प्रभावी तरीके से निपटना है तो पाकिस्तान के साथ बात करनी होगी। विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने क्या कहा और उसका क्या स्टैंड था, उसे याद करने का समय अभी नहीं है। पारंपरिक और सोशल मीडिया में इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि नरेंद्र मोदी ने तब क्या कहा था और अब क्या कर रहे हैं। इस बात की भी चर्चा है कि सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार 3 बार पाकिस्तान नीति पर स्टैंड बदल चुकी है, लेकिन अगर बोली और गोली साथ साथ नहीं चलने की बात कहने वाली भाजपा और उसकी सरकार पाकिस्तान से बातचीत के लिए तैयार है तो इसे अच्छा शगुन मानना चाहिए। पाकिस्तान ने भी अपनी ओर से पहल की। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के साथ बातचीत में नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बिना शर्त वार्ता के लिए तैयार है। उसके बाद ही दोनों तरफ से पहल शुरू हुई। पाकिस्तान ने और भी मसलों पर गंभीरता दिखाई है। ये सही है कि मुंबई हमले को अंजाम देने वाले साजिशकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई नहीं की है या हाफिज सईद पर काबू नहीं किया है, लेकिन अपने देश से आतंकवादियों का सफाया करने की उसने गंभीर मुहिम छेड़ी है। उसे इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। उसके यहाँ भी आए दिन आतंकवादी वारदातें हो रही हैं। इसलिए भी पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी है। इस बीच ISIS को खत्म करने के लिए दुनिया भर के देश एक हुए हैं और सीरिया इराक में भारी लड़ाई छिड़ी है। ऐसे में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले दो देश भारत और पाकिस्तान अपने को तटस्थ नहीं रख सकते। उन्हें अपनी पोजीशनिंग करनी पड़ेगी। अगर ये दोनों देश सीधे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं तब भी इन्हें आपस में बात करके आतंकवाद के साझा खतरे के खिलाफ प्रभावी और निर्णायक लड़ाई छेड़नी होगी। दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होने के पीछे कहीं न कहीं ये पहलू भी है कि आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई छेड़नी है, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान को ये सुनिश्चित करना होगा कि उसकी जमीन से भारत विरोधी गतिविधियां नहीं चलनी चाहिए। उसे ये भी सुनिश्चित करना होगा कि राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व एक साथ रहे, तभी भारत का भरोसा बढ़ेगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद भारत पाकिस्तान रिश्तों पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान की रीति नीति में कितना परिवर्तन है और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सेना और ISI पर कितनी चलती है, इसी बात पर भारत पाक रिश्तों का भविष्य निर्भर है। बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी कश्मीर बुनियाद को छोड़ रिश्ता चाहे, यह नामुमकिन है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ सामरिक मामलों के जानकार उदय भास्कर है। उदय जी, भारत पाकिस्तान के बीच में बर्फ पिघली हुई लगती है। सुषमा स्वराज वहाँ अफगानिस्तान की बैठक के बहाने गई है और ये भी कयास है कि पूरा कंपोजिट बातचीत होगी, तो क्या लगता है ये आपको, ये जो हमारे रिश्तों की विरासत है, कभी सर्द कभी गर्म, उस रूटीन का हिस्सा है या सचमुच में दोनों तरफ कुछ नियत में परिवर्तन आया? साहब, मुझे लगता है कि कुछ हल्का सा परिवर्तन का संकेत है और कारण यह, जैसे आपने कहा, अगर आप अटल जी के जमाने से लेके आज तक समीक्षा करेंगे करीब 16 साल का, बार बार यह ऐसे हुआ है कि बातचीत की हमने शुरुआत किया, आलाप से कोई राग पकड़ने की कोशिश से पहले कुछ ना कुछ ऐसे घटना हो जाता है, चाहे वो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हो या कारगिल या मुंबई, और फिर हमने रद्द कर दिया है। पर इस बार जिस प्रकार से नवाज शरीफ साहब ने माल्टा ने अपने
कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट पे उन्होंने एक इशारा दिया कि पाकिस्तान तैयार है बिना शर्तों का बातचीत करने के लिए। तुरंत उसके बाद पेरिस में इन दोनों की मुलाकात हुई, जिसको अखबारों ने पुल असाइड कहा है, और एक हफ्ते के भीतर, यानी कि कहां उनका मीटिंग हुआ था सोमवार को और अगले 6 दिनों के बाद बैंकॉक में इनकी बैठक हुई एनएसए और एफएस। मुझे लगता है कि कुछ पॉलिटिकल लेवल पे या कुछ सिग्नलिंग हुआ है और एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय माहौल भी बदल रहा है। नहीं, वही कि वैश्विक दबाव के कारण तो ये नहीं हो रहा है। दबाव नहीं, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान और भारत शायद दोनों को इस बात का ध्यान देना है। आप देखिए, अभी पेरिस में हादसा हुआ था 13 नवंबर को, उसके बाद हुआ था ये कैलिफोर्निया में जिसको सान बर्नार्डिनो कहते हैं, और अभी अगले हफ्ते पेशावर का सालगिरह है 16 दिसंबर को। पाकिस्तान के अंदर भी शायद उनको महसूस हो रहा है कि आप उदाहरण के लिए देखिए, सऊदी अरेबिया के ऊपर इस वक्त दबाव जो बढ़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कि वो इस प्रकार के दहशतगर्दी की विचारधारा को समर्थन दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने कुछ ऐसे संकेत शायद पहचान लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल जो है बिल्कुल इसके खिलाफ है, और इसलिए शायद मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब के बीच में कुछ ऐसा शायद, मैं इसका नहीं, मतलब आप अटकले कह रहा हूं कि ये स्पेकुलेशन है कि कुछ ऐसे सिग्नल्स शायद उन्होंने दोनों तरफ से आया है कि शायद हमको दोबारा ये डायलॉग को पटरी पे वापस लाना है। भारत के तरफ से काफी हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाया, देखिए कहां उफा में हमने कहा केवल टेररिज्म, अभी हमने कश्मीर को भी शामिल किया है, अदर इश्यूज को भी शामिल किया है, और हम इनके साथ बातचीत हमने बैंकॉक में किया, जबकि एक बार सुषमा जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो भी बातचीत है या पाकिस्तान में होगा या भारत में होगा। तो अर्थात ये कि भारत के तरफ से काफी फ्लेक्सिबिलिटी आई है, और शायद पाकिस्तान के तरफ से भी उन्होंने कुछ इशारा दिया होगा कि हम मान लीजिए मुंबई का ट्रायल को जल्दी करेंगे या हफीज सईद के ऊपर दबाव डालेंगे, जो भी भारत के एक्सपेक्टेशन है। इसमें एक ही मुद्दा स्लेटी है मेरी राय में, वो है हुर्रियत वाली बात, यानी कि पिछली बार जब हमने फॉरेन सेक्रेटरी एनएसए का टॉक्स को रद्द किया था वो इस मुद्दे पे था कि पाकिस्तान जो है हुर्रियत के नेताओं से बात करना चाहता है। ये अभी तक जो भी हमने सुना है औपचारिक रूप से स्टेटमेंट में नहीं है, जहां तक दिल्ली में आप जानते हैं आप तरह तरह के आपको ग्रेप वाइन की जो बात होती है, ग्रेप वाइन के ऊपर भी किसी ने इस प्रकार से स्पष्ट नहीं किया कि हुर्रियत के ऊपर क्या अग्रीमेंट है। नहीं, लेकिन आपकी बात से लबोलुआब में ये निकलता है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को लेकर अब गंभीरता से बनी है, और उसमें वो सीरियसली भारत को सहयोग करने को तैयार है, और भारत में नरेंद्र मोदी कश्मीर को लेकर भी बात करने को तैयार है। ये बुनियादी दो परिवर्तन है, ये मुझे लगता है साहब, मैं विश्लेषक हूं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान समझ रहा है कि उनके पास जो स्पेस है वो सिकुड़ रहा है, लेकिन पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक। लेकिन पाकिस्तान के कश्मीर को लेकर कुछ लचीला बन सकता है, शायद वापस हम वही जो मनमोहन सिंह साहब और मुशर्रफ साहब के बीच में जो बातचीत हुई थी 4 पॉइंट, मुझे लगता है कि उसी दायरे में शायद हम दोबारा कुछ नेगोशिएशन की बात करेंगे, क्योंकि व्यास साहब आप जानते हैं आपने इतने पापड़ बेला है इंडिया पाकिस्तान के बारे में, जो ऑप्शंस हैं वो काफी लिमिटेड है, यानी कि मैं समझता हूं कि भारत के तरफ से कोई नहीं चाहता है कि हम जंग की दिशा में जाएं। पाकिस्तान के तरफ से वो भी जानते हैं कि चाहे जंग हो जैसे कारगिल हुआ था वो कश्मीर को भारत से छीन नहीं सकते हैं, तो जो भी है स्पेसेस काफी लिमिटेड। मतलब आपका ये मानना है कि व्यवहारिक रियलिज्म दोनों तरफ इस समय बहुत गंभीरता से आया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय माहौल में अंतरराष्ट्रीय माहौल ने बनाया वो भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं दोबारा कहूंगा शायद हमारे देश में हमने सऊदी अरेबिया के ऊपर इस वक्त जो निगरानी है विश्व का शायद हमने उसका अंदाजा नहीं लिया है, और उसका जो सिग्नल है शायद पाकिस्तान ने पहचान लिया है कि इंटरनेशनल ओपिनियन जो अभी तक काफी एक प्रकार से सऊदी अरेबिया के साथ था, डोंट आस्क डोंट टेल, पर अभी आप देखिए पिछले हफ्ते मैंने सारे ब्रिटेन के पेपर, अमेरिका के पेपर, टेलीविजन के ऊपर सऊदी अरेबिया इज द कोर ऑफ इस्लामिक स्टेट आइडियोलॉजी, यानी कि उनके ऊपर खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया को अगर आइसोलेट किया जाए आइडियोलॉजी तो अपने आप पाकिस्तान गिरता है, अपने आप पाकिस्तान गिरता है, ये मेरा एनालिसिस है इसके बारे में। नहीं नहीं, लेकिन फिर बुनियादी मेरा सवाल ये कि पाकिस्तान की बुनावट या उस राष्ट्र राज्य का जो धर्म है एक तरह से जो चला आ रहा है वो तो कश्मीर ले देकर कश्मीर है, उस कश्मीर को लेकर आईएसआई हो या पाकिस्तानी फौज हो वो कुछ कोई कहीं कंप्रोमाइज करने की मूड में या फिर हम खामो ख्याली में। पाकिस्तान आर्मी का जो है मुझे बार बार लगता है कि वो बेताल वाला कहानी है, यानी बेताल 25 की तरह वो
वो कोशिश करते हैं पर अंत में वापस वहीं पे चले जाते हैं। यही पाकिस्तान की बार बार की, वो भले कोशिश हो जाए, सऊदी अरब हो जाए, वैश्विक देश हो, लेकिन अंततः जब वो कोर मुद्दे पर आएगा तो फिर वही ढाक के तीन पात नहीं होंगे। इसके लिए शायद ये दोबारा मैं कहूंगा, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इस वक्त जब तक पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया, चीन तथा अमेरिका से मजबूत तरीके से जब तक उनको समर्थन मिल रहा है, वो भारत के खिलाफ आंखें दिखा रहे थे। तो अगर ये तीनों ने उसे घेर लिया तो परिवर्तन तो पाकिस्तान फौज का भी होगा। जी, ये बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।